फ्रेंड्स, मैं रोमा आपका रोमांस किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ जिमीकंद की सब्ज़ी। इसके लिए मैं सबसे पहले 1 केजी जिमीकंद ली हूँ और उसे अच्छे से काट के धो लिया हूँ। अब मैं उस जिमीकंद में 1 चम्मच नमक डाल के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा जिमीकंद में नमक दिया हुआ 15 मिनट हो चुका है। देखिए फ्रेंड, कितना सारा गंदा सा पानी निकल आया है। ये पानी से हमारा जिमीकंद नहीं लगता है। अब हम जिमीकंद में पानी डाल के अच्छे से धो लेंगे और उसे पानी निकलने के लिए रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल गर्म होने डाल देंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब उसमें जिमीकंद डाल करके उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। नमक और हल्दी भी जिमीकंद में थोड़ा सा डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारा जिमीकंद जो है फ्राई हो रहा है। इसे एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारा जिमीकंद लगभग फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। जिमीकंद की सब्जी इस तरह से बनाने पर बहुत ही टेस्टी लगती है। अब जो तेल बचा है उसमें बचा हुआ जिमीकंद डाल के फ्राई कर लेंगे। जिमीकंद को भी बहुत जगह ओहल और सूरन भी कहते हैं। अब जिमीकंद में हल्का नमक और हल्दी डाल करके इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक हमारा जिमीकंद फ्राई हो रहा है तो हम मसाला की तैयारी कर लेते हैं। मसाले के लिए हमने लिया है लहसुन, मिर्ची, जीरा, काली मिर्च और साबुत धनिया। इसे हम अच्छे से पीस लेंगे और 1 पीस अचार भी लेना है। आप लोगों को मन हो तो अचार के बदले आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे अचार ही ज़्यादा पसंद होता है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा तेल है उसे हम निकाल लेंगे और बाकी बचे तेल में हम प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। बाकी बचे तेल में सबसे पहले पचफोरन डालेंगे, उसके बाद तेज़पत्ता और सौंफ डालेंगे 1 चम्मच। सौंफ डालने से बहुत ही टेस्टी लगती है जिमीकंद की सब्ज़ी। जब तक हमारा पंचफोड़न लाल हो चुका हुआ है, इसमें अब डालेंगे हमारा लच्छे में कटा हुआ प्याज। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमने जो मिक्सी में मसाला पीसे थे वो वाला मसाला। ग्राइंडर जार में भी हल्का पानी डाल के वो मसाला निकाल के इसी पे डाल देंगे। इससे हमारा मसाला बर्बाद नहीं होता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। नमक और हल्दी डाल के अच्छे से मसाला को तेल ऊपर आने तक फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा मसाला कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है।
मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हमारा फ्राई किया हुआ जिमीकंद। जिमीकंद डाल के इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें गर्म पानी ग्रेवी के लिए डालेंगे। आपको जितना ग्रेवी रखना हो उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा, क्योंकि जिमीकंद की सब्जी में अभी सीटी लगाएंगे उससे पानी छोड़ता है। अब हम सब्जी को कुकर में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम सब्जी में कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल के कुकर बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक पकाएंगे। अब हमारे 2 सीटी लग चुके हैं, अब खोल के देखते हैं हमारी सब्जी कितने अच्छे बने हैं। अब हम करछी लेके उसे अच्छे से चलाएंगे, जिससे कि हमारा प्याज और मसाला सब मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी सब्जी बनी है, जितनी अच्छी देखने में लग रही उतनी ही अच्छी खाने में भी लगेंगी। हाँ फ्रेंड्स, अगर हमारा सब्जी आपको पसंद है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।